हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट से भी बढ़िया खस्ता टेस्टी नमक पारे की रेसिपी। इस नमक पारे को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप इसको एक बार बना करके पूरे महीनों भर तक स्टोर कर सकते हो दोस्तों, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है। तो चलिए फिर इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बाउल ले लेना है और उसमें डाल देना है एक कप मैदा। आप अगर चाहो तो यहाँ पे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो इसको। और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक स्वाद अनुसार। इसमें नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, नहीं तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। और अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून कलौंजी, हम इसे मंगरेला भी बोलते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हो। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जमा हुआ घी लिया है, ये एकदम हल्का सा जमा हुआ है। और इस घी को हम पूरा एक चम्मच भर करके इसमें डाल देंगे। आप अगर चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। और घी को डालने के बाद हम इस आटे में एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे रफ कर करके, जब तक कि एकदम हाथों में मुट्ठी जैसा बंधे नहीं लगता है तब तक आपको मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा अगर कम लगे तो और एक चम्मच डाल करके फिर मिक्स कर ले, ठीक है। यहीं पे नमक पारे का मेन ट्रिक होता है, अगर आप इसको एकदम अच्छे से मसलोगे तो आपका नमक पारा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है, एकदम मार्केट के जैसा। तो आप देख सकते हो मुट्ठी जैसा बंधने लगा है, इसका मतलब जो मोयन है हमारा वो एकदम परफेक्ट है। और अब मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया है और पानी को हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक डो लगाएँगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, पानी को यहाँ थोड़ा थोड़ा डाल करके ही इसका आटा लगाएं, क्योंकि अगर इसका आटा गीला हो गया तो फिर आपका नमक पारा जो है वो बहुत ही ख़राब बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। और नमक पारे बनाने के लिए इसका जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट लगाया जाता है, यानी कि आपको इसका एकदम सख्त आटा लगाना है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो इसका आटा लगा करके मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सख्त आटा है। ये देखिए, ये बिल्कुल ही स्मूथ नहीं होगा। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, करीब 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो 5 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आटा हमारा सेट हो चुका है पहले से। और वापस से हम इसको और एक बार मसल करके चिकना कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ये देखिए। तो अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तो मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, आप अगर एक में ही बेल सकते हो बड़ा तो आप बेल लेना। तो अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे, उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो चलिए, इसका मैंने एक पेड़ा बना लिया है तो अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तो अब मैंने इसको रख दिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे ताकि बेलने में हमें आसानी हो जाए, ये चिपके नहीं इसीलिए। और अब हम इसे बेल लेंगे फ्रेंड्स। तो इसे बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी मोटा रखते हो तो फिर आपका नमक पारा बिल्कुल भी फूलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए इसको एकदम पतली सीट की जैसा बेले। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पतला है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए अब हम नमक पारे को काटते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चाकू ले लिया है। तो पहले हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में पतला पतला इस तरीके से काट लेंगे। आप अपने मनपसंद से यहाँ नमक पारे को कोई भी शेप में काट सकते हो, मैं यहाँ पर डायमंड शेप में काट रही हूँ। तो ये देखिए, लंबा लंबा पहले मैंने काट लिया है और जो साइड में जो है उसको हम हटा लेते हैं। और अब मैं इसको डायमंड शेप में कट करूँगी, ये देखिए आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसका डिज़ाइन। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो या फिर लंबे लंबे नमक पारे जो होते हैं उस टाइप के भी बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको काट करके तैयार कर लिया है और ये आसानी से एकदम निकल जाता है, ये देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है। इस तरीके से आपका होना चाहिए तभी आपका नमक पारा फूलेगा। अगर आपका नमक पारा चिपकता है, इसका मतलब आपका जो आटा है वो एकदम सख्त नहीं लगा है, तभी आपका नमक पारा फूलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए, मैंने इसको काट करके तैयार कर लिया है और अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है पहले से ही, और तेल को आपको एकदम अच्छा गरम करना है और गैस का जो आँच है वो एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है फ्रेंड्स आपको। तो आप देख सकते हो हमारा नमक पारा एक एक फूल करके तैयार हो चुका है, ऐसा कोई भी एक नमक पारा नहीं होगा जो फूला नहीं होगा, आप देख सकते हो दोस्तों। तो मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है, तेज़ आँच में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे।
तो जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है, गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, करीब आपको 3 मिनट लगेगा और धीमी आंच पे ही आपको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है और नमक पारा हमारा फ्राई होकर के तैयार हो चुका है। तो अब हम सभी नमक पारे को निकाल लेते हैं और बाकी का जितना भी नमक पारा है सभी को मैं इसी तरह से फ्राई कर करके तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। तो ये लीजिए दोस्तों, एकदम आसान तरीके से घर में एकदम मार्केट जैसा हलवाई की तरीके से हमारा नमक पारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बना है, एकदम परफेक्ट नमक पारा बना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसको एक बार बना करके आप पूरे महीनों भर तक इसको इंजॉय कर सकते हो और चाय के साथ आप इसको एक बार ज़रूर खा करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।